वेलकम इन सी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई विल डिस्कस सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि हम प्रतिदिन आपको जो सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन कर करके डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लाए हुए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखेंगे कि इनमें से कौन सा मुक्त अंत, मतलब कि जिसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, मतलब देने के उसके तरीके बहुत हो सकते हैं। तो पहला जैसे कि कहता है कि से 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है। तो सिंपल सा बता देगा कोई भी कि एक ही आंसर आएगा कि इतना ज़्यादा है तो मान करके तुरंत बता देगा। नेक्स्ट वो कहता है इसको आरोही क्रम में लिखिए, बिल्कुल मुक्त आंसर वाला नहीं है। कौन सा बड़ा है, तो इसमें तुरंत बता देगा ये बड़ा कि ये बड़ा। फिर वो कहता है नेक्स्ट कहता है 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखिए। तो 2.7 से बड़ी कोई भी नंबर्स जो लिखेगा वो हर बच्चा अलग अलग लिख सकता है। तो यही आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर आगे चलते हैं कि वो कहता है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा होता है। तो जब भी हम बच्चों को किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में बताते हैं तो जियो बोर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ से जियो बोर्ड से हम उनको किसी भी आकृतियों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कक्षा 4 के 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है कि यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः, इसमें 5 4 खंभे हैं उनका जो मेजरमेंट है वो दिया गया है अलग अलग। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो यह सवाल जो है वो क्या बताता है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उनका मेजरमेंट है और उनको बराबर बराबर टुकड़ों में काटना है कि नंबर ऑफ टाइम्स वो ज़्यादा कम हो जाएंगे कि अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझाना चाहते हैं, यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं HCF उनको समझाना चाहते हैं। तो पहला देखो क्या है कि HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देना, या चलो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि गुणन और गुणज के ज्ञान की परीक्षा लेना। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सही हो। फिर क्या है कि HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। चलो नेक्स्ट, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। अब इसमें और क्योंकि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये जो हैं हमें सही लग रहा है, लेकिन इन तीनों में कौन सा, ये आपका कट हो जाएगा क्योंकि ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो इनमें से कौन सा सही है। अब HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच हो सकता है कि भाई हम ये जानना चाहते हो कि HCF बच्चों को आता है कि नहीं आता है तो बता देंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सही है कि वो जो संकल्पनाएं सीखा है उन्होंने तो उसको समस्या समाधान में हम उनको जनरल लाइफ से रिलेट करके बताते हैं। तो इसका जो सबसे नज़दीक जो क्वेश्चन सही आंसर है वो ये है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में इतना लीटर दूध बेचता है, वह 1 दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। तो 10 दिन में इतना बेचता है तो इसको डिवाइड कर देंगे। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर ब्लूम का कौन सा, जो ब्लूम ने अपनी एक थ्योरी दी है, तो ब्लूम का कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है। तो उसको देखेंगे वो चाहे या संश्लेषण है, तो मिलाया तो नहीं जा रहा है, वो अलग अलग पूछा जा रहा है कि अलग अलग दिन में कितना। तो ज्ञान बोधन और विश्लेषण, तो अगर बच्चा ये चीज़ें बताता है तो वो विश्लेषण के क्षेत्र में आता है कि वो संज्ञानात्मक के विश्लेषण क्षेत्र की दक्षता की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। तो जब वो क्या करता है कि कक्षा 5 में है तो
सबसे पहले वो त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, तो वो जब अमूर्त में दिक्कत हो रही तो वो मूर्त संज्ञेयात्मक अवस्था में, सिंपल सी बात है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है, तो ध्यान देंगे कौन सा इसमें है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर गणितीकरण जो है, देखते हैं कि शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उसका सत्यापन करने की। वर्गमूल और घनमूल निकालने से सभी संख्याएं संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो है वो लाभप्रद क्षमताओं का विकास का मतलब है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला क्या है कि उस उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक। तो ये तो देखो कट गया आपका था डी, उन्हें मोटी होना कोई जरूरी नहीं, तो डी जब कट गया तो आपके ये दोनों ऑप्शन कट गए, डी डी इसमें था। अब बचा आपका ए बी या ए सी, तो ए तो उसमें कठोर अभ्यास नहीं लग रहा है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आप रिस्ट्रिक्ट हैं बंधे हुए हैं तो ए बी सही होगा या ए सी सही होगा। तो बी तो बिल्कुल करेक्ट है, तो बी के साथ ए ही आपका, तो इसलिए ऑप्शन यह दो हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट भी ज़्यादा करेक्ट नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन को देखकर ही वहाँ पर टिक करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, गणित में ऐसा नहीं है सबको पढ़ाई जाए, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पढ़ते अलग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 38 का सेकंड, की गणित जो है सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर कितना है। हर बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, तो जैसे ही उसने सार्वगुणज पूछा है तो सार्वगुणज का मतलब क्या हो गया कि उसका एलसीएम उसने पूछा है, और सबसे बड़े सार गुणनखंड मतलब वो एचसीएफ पूछा है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर वो निकालने का प्रयास कर रहा है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 70, क्योंकि 35 इंटू टू करेंगे, 35 नहीं डिवाइड होगा 35 से डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा 5 से, तो ये इसका एलसीएम हो गया। गुणनखंड क्या होगा इसका सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 5 ही सबको डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड, तो 5 अंतर निकालना है उसका, तो माइनस कर देंगे 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट देखते हैं कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है, तो क्या कहता है कि 105 जो है गुणनखंडों की संख्या है कितनी है। तो देखो तीन पहले का है, 3, 6 और 4, तो 40 का जब 105 का करेंगे तो 3 तो होना ही नहीं, क्योंकि 1 और 105 खुद हो गए और 5 ऑलरेडी उसमें है, और डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड हो जाएगा ये 3 से भी, तो ये फिर 6 और 8, तो सारे गुणनखंड काउंट करेंगे तो 1 भी होता है, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 15 से भी कटता है, 21 से भी कटता है, 35 से भी कटता है, और 105 से भी, तो ये सारे गुणनखंड तो काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8।